तर्जुमान पाक फौज का 9 मई को कोर कमांडर हाउस लाहौर में हंगामा राय, शरपसंदी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। कहा शरपसंद अनासिर अब नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे, किसी भी मजीद हमले की सूरत में शदीद रद्द अमल दिया जाएगा। जिम्मेदारी उसी टोले पर होगी जो मुल्क को खाना जंगी में धकेलना चाहता है। किसी को भी अवाम को उकसाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। 9 मई का दिन एक स्याह बाप की तरह याद रखा जाएगा। ISPR ने रद्द अमल में कहा जो काम दुश्मन 75 साल न कर सके वो इस ग्रोह ने कर दिखाया। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के बाद आर्मी के अमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए, फौज मुखालिफ नारेबाजी करवाए गए, घनौनी कोशिश की गई कि आर्मी अपना फौरी रद्द अमल दे। फौज ने इंतहाई तहमुल, बुर्दबारी और बर्दाश्त का मुजाहरा किया। ISPR के मेच्योर रिस्पॉन्स ने इस साजिश को नाकाम बना दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फौज तलब, वजारत दाखिला ने मंजूरी दे दी। पाक फौज जिले इंतजामिया की मुआवनत करेगी। पंजाब में पाक फौज की 10 कंपनीज तैनात होंगी। फौज को लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद, दीगर अजला में तैनात किया जाएगा। इस्लामाबाद में फौज तैनात, सिंध में दफा 144 नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। कल कहा जा रहा था इलेक्शन के लिए फौज मुयस्सर नहीं है, सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। आज पंजाब में सारा पंजाब जो है वो फौज के हवाले कर दिया जाए। आर्टिकल 245 जो लगाया गया है पंजाब की हुकूमत ने, वो पाकिस्तान के अवाम को और फौज को एक दूसरे के सामने खड़ी करने की साजिश है। कल कह रहे थे इलेक्शन के लिए फौज दस्तयाब नहीं, आज पूरा पंजाब फौज के हवाले कर दिया गया। ये अवाम और फौज को लड़वाने की साजिश है। फवाद चौधरी का रद्द अमल, कहा जलाओ घेराओ हमारी पॉलिसी नहीं, जो खेल खेला जा रहा है वो मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। अलकादिर ट्रस्ट केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने इमरान खान को नैब के हवाले कर दिया। नैब ने इमरान खान के 14 रोजा रिमांड की इस्तदा की थी। अदालत का इमरान खान को 17 मई को दोबारा पेश करने का हुक्म। नैब टीम की पुलिस लाइन्स में तहकीकात, मुख्तलिफ उमूर पर पूछगछ। इमरान खान को मेडिकल बोर्ड ने तंदुरुस्त करार दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अदालत में कहा मुझे गिरफ्तारी के वक्त नहीं, नैब ऑफिस पहुँचने के बाद वारंट दिखाई गए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने वकला को दस्तावेजात फराम करने की यकीन दहानी करवा दी। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मुल्क में खतरनाक सूरत हाल है, इमरान खान की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं की पकड़ धकड़ जारी। असद उमर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहाते से गिरफ्तार। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी का इम्कान। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की भारी नफरी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई तक मेरी गिरफ्तारी रोकी हुई है। फवाद चौधरी का ट्वीट, दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर इस्लामाबाद में असद उमर और अली नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी पर अमरीका का रद्द अमल सामने आ गया। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा इमरान खान की गिरफ्तारी से आगाह हैं, अमरीका पूरी दुनिया में जमहूरी इकदार की इज्जत और कानून की हुक्मरानी का मुतालबा करता है। अमरीकी रुकने कांग्रेस ब्रेट शर्मैन ने इमरान खान की गिरफ्तारी को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहा पूरे मुल्क में PTI रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारी का जवाब नहीं बनता। पिशावर में मुश्तैल अफराद का रेडियो पाकिस्तान की इमारत पर हमला। तोड़फोड़ के बाद इमारत को आग लगा दी, सामान लूट लिया। रोकने पर शरपसंदों का मुजाहिरीन पर तशद्दुद। DG रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक शरपसंद रेडियो पाकिस्तान पिशावर का गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुए, रिकॉर्ड भी जला दिया। पिशावर में झड़पें और हंगामा राय, झड़पों में 6 अफराद जान से गए, 15 पुलिस एहलकारों समेत 63 अफराद जख्मी। पिशावर में एहतजाज और तोड़फोड़ करने वाले 71 PTI वर्कर्स गिरफ्तार। जेहलम में शानदार चौक पर पुलिस का धावा। PTI के जिले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी समेत 25 कारकुन धर लिए गए। लाहौर में PTI ऑफिस पर छापा, मुलाजमीन गिरफ्तार। PTI टिकट होल्डर इबाद फारूक जेरे हिरासत। लाहौर में मियां महमूदुर रशीद के घर पर भी पुलिस का छापा। इस्लामाबाद से 123 कारकुनान गिरफ्तार। शहबाज गिल के पर्सनल सेक्रेटरी अरसलान भट्ट के घर पर भी छापा।
कराची में डालमिया रोड पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज, पुलिस का लाठी चार्ज। पुलिस ने मुतअद्दिद खवातीन समेत 35 अफराद को हिरासत में ले लिया। कराची में पुलिस का हलीम आदिल शेख के रिहायश गाह पर छापा। अपोजिशन लीडर सैयद हलीम आदिल शेख घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस दो मुलाजमीन को गिरफ्तार कर ले गई। शेख इम्तियाज और सगीर वड़ाइज की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। सगीर वड़ाइज कह रहे हैं कि शेख साहब अपने अपने इलाके बंद करके रखने हैं। शेख इम्तियाज ने कहा, हम अभी कोर कमांडर हाउस में इकट्ठे हुए हैं। आज न्यूज इस मुबैना ऑडियो की तस्दीक या तर्दीद नहीं कर सकता। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी अवाम बाहर नहीं निकले, सिर्फ तरबत याफ्ता बलवाई बाहर आए। इन्हें कई माह से जमान पार्क में इसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। ऑडियो से भी साबित हो गया कि तकरीब कारी का मंसूबा इमरान खान ने खुद बनाया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में कशीदा सूरत हाल पर आज तालीमी इदारे बंद रहे। खैबर पख्तूनख्वा में निजी और सरकारी तालीमी इदारे 5 दिनों के लिए बंद रहेंगे। ऐलामिया जारी, कैम्ब्रिज का कल का भी इम्तिहान मनसूख कर दिया गया। कुछ शेरपसंद नासिर एहतजाज की आड़ में जलाओ घेराव कर रहे हैं। इमरान खान ने हमेशा कारकुनों को पुरअमन रहने की हिदायत की। परवेज इलाही का बयान, कारकुनों पर तशद्दुद और गिरफ्तारियां काबिले मजम्मत करार। कहा, इमरान खान हमारे लीडर हैं, मुल्क की सही नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तानियों से दरखास्त है, पुरअमन एहतजाज आपका कानूनी आईनी हक है, लेकिन कानून को हाथ में मत दीजिए। ये बहाने तलाश कर रहे हैं आप पर झूठे मुकदमात कायम करने के। शाह महमूद कुरैशी का इमरान खान तक रसाई देने का मुतालिबा। कारकुनों से कानून हाथ में ना लेने की अपील। कहा, मुल्क को आईनी बहरान में धकेल दिया गया। हुकूमत अदलिया की हुकूमत धूली कर रही है। असद उमर ने इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। सवाल किया, जल्दबाजी में बनाए गए कागजात क्यों छुपाए जा रहे हैं। रियासत अब मुकम्मल तौर पर अपनी रेट कायम करेगी। ऐसी कार्रवाई करेंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे। लीगी रहनुमा ततारड़ की वार्निंग, वजीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब ने कहा, पीटीआई रहनुमा अपने कारकुनों को जलाओ घेराव की तरगीब देते रहे, कोई सियासी जमात इस तरह का रद्दअमल नहीं देती। एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड कौमी खजाने में जमा नहीं कराए, रकम जाती मफाद के लिए इस्तेमाल की। हमने गिरफ्तारियों पर कभी तशद्दुद का मुजाहिरा नहीं किया, कभी रियासती इदारों पर हमले नहीं किए। तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का रद्द अमल। कहा, इमरान खान से कहता हूं, अभी तो इब्तदाए इश्क है। फारूक सत्तार ने कहा कि किसी भी रहनुमा की गिरफ्तारी कोई नई बात नहीं, कौन सी सियासी जमात के सरबरा को गिरफ्तार नहीं किया गया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इमरान खान रॉन्ग नंबर साबित हो गए हैं। पीटीआई के मुनहरिफ रहनुमा खुर्रम हमीद रोकड़े इमरान खान के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। कहा, इमरान खान ने नौजवानों को गुमराह किया, उन्होंने मुल्क तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फैसल वाडा ने कहा, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। पीटीआई के 11 मेंबरान ने गुज़िश्ता रात मेरे घर में गुजारी। तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद, इमरान खान का सेहत जुर्म से इनकार। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस की समाअत की। वकील इमरान खान ने कहा कि हमने फर्द जुर्म मौकर करने की इस्तदा की। सेशन जज दिलावर हुमायूं ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। हमने अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया था। तेहरान केस में इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 31 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस के फैसले से 2 जजेस साहबान का अदम इत्तफाक। केस की दोबारा समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दिया जा रहा है। अल्लामिया भी जारी। इमरान खान की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। पीटीआई ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर कर दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 2 अदालतें, पुलिस लाइन्स मुंतकली का नोटिफिकेशन चैलेंज, पुलिस लाइन्स अदालत बनाने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। कहा, इमरान खान से लीगल टीम को मिलने की इजाजत दी जाए, लीगल टीम की मुलाकात न करवाने से फेयर ट्रायल मुतासर होगा। दरख्वास्त फैसल चौधरी ने दायर की।
एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा पर इख्तियारात से तजावुज का इल्जाम। ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन मुतअद्दिद बार उमर सरफराज चीमा को तलब कर चुकी है, पेश न होने पर गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन पंजाब ने तहरीके इंसाफ के साबिक वजीर जरताज गुल को कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत लाहौर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ, उनकी अहलिया नुसरत शहबाज और हमजा शहबाज समेत दीगर को बरी कर दिया। नैब ने सप्लीमेंट्री रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। मुल्क में गैर यकीनी सूरतहाल, रुपया बेहाल, अमरीकी डॉलर की ऊंची छलांग, इंटर बैंक में 5.38 रुपए महंगा, ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 7 रुपए का इजाफा, सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 9,900 रुपए महंगा, कीमत 2,46,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। शरपसंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों से रियायत नहीं की जाएगी। वजीर इत्तला सिंह शर्जील मेमन का ऐलान, पीटीआई को एहतजाज के लिए जगह देने की पेशकश भी कर दी। मुर्तजा वहाब बोले, कराची का अमन खराब करने की कोशिश की जा रही है, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा। वफाकी काबीना ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में फौज तैनात करने की तौसीक कर दी। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ पेरिस और लंदन में एहतजाज, मुजाहिरीन का इमरान खान को रिहा करने का मुतालिबा। ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में भी इमरान खान की हिमायत में मुजाहिरे, माजूर अफराद घरों से बाहर निकले। साबिक क्रिकेटर भी इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ बोल पड़े। शुएब अख्तर ने कहा, कौमी हीरो के साथ जिस तरह की बदतमीजी की जा रही है वो दिल शिकस्ता है, बराए मेहरबानी अपने कौमी हीरो के लिए इज्जत दिखाएं। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कहा, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ लाखों लोग हैं। वकार यूनिस ने ट्वीट किया कि कप्तान हम आपके बिल्कुल पीछे हैं। मोहम्मद हफीज ने भी इमरान खान की गिरफ्तारी की मजम्मत की। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट सर्विस ऑर्डिनेंस में तरमीम खिलाफ दरखास्त, लाहौर हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर, दरखास्त में मौकिफ अपनाया गया। ऑर्डिनेंस में तरमीम 2 असेंबली मुलाजमीन को नवाजने के लिए की गई, गवर्नर पंजाब ने आइन की मंशा के बरक्स तरमीम की। कराची के इलाके सुखन रेडी गोट में पुलिस की फायरिंग, मुबैना दहशतगर्द हलाक, फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार भी जख्मी। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द ने खुद को जैकेट पहन रखी थी। भावलपुर के इलाके सम्मा सट्टा में बाप का 2 बच्चों और बीवी पर बहिमाना तशद्दुद, ईंटें मारकर जख्मी कर दिया, जख्मी बच्चों और खातून को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम मोहम्मद साबिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और सेंट्रल जेल कराची इस्लाही मरकज में तब्दील, उम्र कैद की सजा पाने वाला कैदी 3D पेंटिंग से लाखों रुपए कमाने लगा। इजाज 2014 में अगवा बराए ताबान के केस में गिरफ्तार हुआ, जेल में फन सीखा और माहिर बनकर सबके लिए मिसाल बन गया।